बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। ओम सूर्य देवाय नमः। हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। श्रीमद् भगवत गीता यथा रूप अध्याय 13। प्रकृति पुरुष तथा चेतना। महाभूतान्य हडाकारो बुद्धिर व्यक्तमेव चे इंद्रियाणि दशैक च पत्र जेनंदर योग योगचरा इच्छा देश सुख दुख षडा चेतना धृति इते क्षेत्र समासेन सविकार मुदाहतम। पंच महाभूत अहंकार बुद्धि अव्यक्त तीनों गुणों की अप्रकृत अवस्था, दसों इंद्रियों तथा मन, पांच इंद्रिय विषय इच्छा द्वेष सुख दुख संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंत क्रियाएं कहा जाता है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। तात्पर्य, महर्षियों वैदिक सूतकों एवं वेदांत सूत्र के प्रमाणिक कथनों के आधार पर इस संसार के अवयवों को इस प्रकार से समझा जा सकता है। पहले तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, ये पांच महाभूत हैं। फिर अहंकार बुद्धि तथा तीनों गुणों की अव्यक्त अवस्था आती है। इसके पश्चात पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, नेत्र, कान, नाक, जीभ तथा त्वचा। फिर पांच कर्मेंद्रियां, वाणी, पांव, हाथ, गुदा तथा लिंग है। तब इन इंद्रियों के ऊपर मन होता है, जो भीतर रहने के कारण अन्य इंद्रिय अंत इंद्रिय कहा जा सकता है। इस प्रकार मन समेत कुल 11 इंद्रियां होती हैं। फिर इन इंद्रियों के पांच विषय हैं, गंध, स्वाद, रूप, स्पर्श तथा ध्वनि। इस तरह इन 24 तत्वों का समूह कार्य क्षेत्र कहलाता है। यदि कोई इन 24 विषयों का विश्लेषण करे तो उसे कार्य क्षेत्र समझ में आ जाएगा। फिर इच्छा, द्वेष, सुख तथा दुख नामक अंत क्रियाएं हैं, जो स्थूल देह के पांच महाभूतों की अधिव्यक्तियां हैं। चेतना तथा धैर्य द्वारा प्रदर्शित जीवन के लक्षण सूक्ष्म शरीर अर्थात मन, अहंकार तथा बुद्धि के प्रकट्य हैं। ये सूक्ष्म तत्व भी कर्म क्षेत्र में सम्मिलित रहते हैं। पंच महाभूत अहंकार की स्थूल अभिव्यक्ति है, जो अहंकार की मूल अवस्था को ही प्रदर्शित करती है, जिसे भौतिकवादी बोध या तामस बुद्धि कहा जाता है। यह और आगे प्रकृति के तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था की सूचक है। प्रकृति के अव्यक्त गुणों को प्रधान कहा जाता है। जो व्यक्ति इन 24 तत्वों को उनके विकारों समेत जानना चाहता है, उसे विस्तार से दर्शन का अध्ययन करना चाहिए। भगवत गीता में केवल सारांश दिया गया है। शरीर इन समस्त तत्वों की अभिव्यक्ति है। शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं।
यह उत्पन्न होता है, बढ़ता है, टिकता है, संतान उत्पन्न करता है और तब यह क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। अतिविम क्षेत्र अस्थाई भौतिक वस्तु है, लेकिन क्षेत्र का ज्ञाता क्षेत्रज्ञ इससे भिन्न रहता है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। अमानितव मद भिवतव महिमा क्षात्राजरवम आचार्योपासन शौच स्थैर धामातम विनिग्रह इंद्रिय द्वेष वैराग्य मन अहंकार एवं च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखदोषानु दर्शनम अशक्ति नभिषवडम पुत्रदार ग्रहादिषु नित्य च समचित्तव मिष्टानिष्टोपपतिषु मयि चान्य योगेन भक्ति रव्याभिवाचीर्णी विविक्त देश सेवितव मर जितर्ज संसधि अध्यात्म ज्ञान नित्य नव तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम इत्र ज्ञान मिति पर तो मजान यद तो न था। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, असहिष्णुता, सरलता, प्रमाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्म संयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अन्याय भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। तात्पर्य, कभी कभी अल्पज्ञ लोग ज्ञान की इस प्रतिक्रिया को कार्य क्षेत्र की अंत क्रिया के रूप में जानने मानने की भूल करते हैं, लेकिन वास्तव में यही असली ज्ञान की प्रक्रिया है। यदि कोई इस प्रक्रिया को स्वीकार कर लेता है तो परम सत्य तक पहुंचने की संभावना हो जाती है। यह है इसके पूर्व बताए गए 24 तत्वों का विकार नहीं है, यह वास्तव में इन तत्वों के पाश से बाहर निकलने का साधन है। देहधारी आत्मा 24 तत्वों से बने आवरण रूप शरीर में बंद रहता है और यहाँ पर ज्ञान के जिस प्रक्रिया का वर्णन है वह इससे बाहर निकलने का साधन है। ज्ञान की प्रक्रिया के संपूर्ण वर्णन में से 11वें श्लोक की प्रथम पंक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यमी चान्या योगेन भक्ति रव्य भी चारिणी, ज्ञान की प्रक्रिया का अवसान भगवान की अन्य भक्ति में होता है। अतः यदि कोई भगवान की दिव्य सेवा को नहीं प्राप्त कर पाता या प्राप्त करने में असमर्थ है तो शेष २९ बातें व्यर्थ हैं, लेकिन यदि कोई पूर्ण कृष्ण भावना से भक्ति ग्रहण करता है तो अन्य 19 बातें उनके अंदर स्वमेव विकसित हो जाती है, जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है।
यस्यासित भक्ति भरग वत्य कृष्णा सर्वगुणे सत्रस समझा सते सुरा। जिसने भक्ति की अवस्था प्राप्त कर ली है उसे ज्ञान के सारे गुण विकसित हो जाते हैं, जैसा कि आठवें श्लोक में उल्लेख हुआ है। गुरु ग्रहण करने का सिद्धांत अनिवार्य है। यहाँ तक के जो भक्ति स्वीकार करते हैं उनके लिए भी यह अत्यावश्यक है। आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ तभी होता है जब प्रमाणिक गुरु ग्रहण किया जाए। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर स्पष्ट कहते हैं कि ज्ञान की यह प्रक्रिया ही वास्तविक मार्ग है। इससे परे जो भी विचार किया जाता है व्यर्थ होता है। यहाँ पर ज्ञान की जो रूपरेखा प्रस्तुत की गई है उसका निम्नलिखित प्रकार से विश्लेषण किया जा सकता है। विनम्रता का अर्थ है मनुष्य को अन्यों द्वारा सम्मान पाने के लिए इच्छुक नहीं रहना चाहिए। हम देहातम बुद्धि के कारण अन्यों से सम्मान पाने के भूखे रहते हैं, लेकिन पूर्ण ज्ञान से युक्त व्यक्ति की दृष्टि में जो यह जानता है कि वह शरीर नहीं है, इस शरीर में संबंध कोई भी वस्तु सम्मान या अपमान व्यर्थ होता है। इस भौतिक शल के पीछे पीछे दौड़ने से कोई लाभ नहीं है। लोग अपने धर्म में प्रसिद्धि चाहते हैं, अतः यह देखा गया है कि कोई व्यक्ति धर्म के सिद्धांतों को जाने बिना ही ऐसे समुदाय में सम्मिलित हो जाता है जो वास्तव में धार्मिक सिद्धांतों का पालन नहीं करता, और इस तरह वह धार्मिक गुरु के रूप में अपना प्रचार करना चाहता है। यहाँ तक आध्यात्मिक ज्ञान में वास्तविक प्रगति की बात है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी परीक्षा करे और परीक्षा करे कि वह कहाँ तक उन्नति कर रहा है। वह इन बातों के द्वारा अपनी परीक्षा कर सकता है। अहिंसा का सामान्य अर्थ बध न करना या शरीर को नष्ट न करना लिया जाता है, लेकिन अहिंसा का वास्तविक अर्थ है अन्यों की को विपत्ति में ना डालना। देहात्म बुद्धि के कारण सामान्य लोग अज्ञान द्वारा ग्रस्त रहते हैं और निरंतर भौतिक कष्ट भोगते रहते हैं। अतः जब तक कोई लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ऊपर नहीं उठाता तब तक वह हिंसा का अभ्यास करता रहता है। व्यक्ति को लोगों में वास्तविक ज्ञान वितरित करने का भरसक प्रयास करना चाहिए, जिससे वे प्रबुद्ध हो और इस भवबंधन से छूट सके। यही अहिंसा है। सहनता का अर्थ है मनुष्य को अन्य द्वारा किए गए अपमान तथा तिरस्कार को सहे। जो आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करने में लगा रहता है उसे अन्यों के तिरस्कार तथा अपमान सहने पड़ते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह भौतिक स्वभाव है। यहाँ तक के बालक प्रसाद को भी जो 5 वर्ष के थे और जो आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगे थे संकट का सामना करना पड़ता था। जब उनके पिता उनकी भक्ति का विरोधी बन गया, उनके पिता ने उन्हें मारने के अनेक प्रयत्न किए, किंतु प्रहलाद ने सहन कर लिया। अतएव आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करते हुए अनेक अवरोध आ सकते हैं, लेकिन हमें अहिष्णु बनकर संकल्प पूर्वक प्रगति करते रहना चाहिए। सरलता का अर्थ है बिना किसी कूटनीति के मनुष्य इतना सरल हो कि अपने शत्रु तक से वास्तविक सत्य का उद्घाटन कर सके। जहाँ तक गुरु बनाने का प्रश्न है, आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने के लिए यह अत्यावश्यक है
क्योंकि बिना प्रमाणिक गुरु के यह संभव नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि विनम्रता पूर्वक गुरु के पास जाए और उसे समस्त सेवाएं अर्पित करे, जिससे वह शिष्य को अपना आशीर्वाद दे सके। क्योंकि प्रमाणिक गुरु श्री कृष्ण का प्रतिनिधि होता है, अतएव यदि वह शिष्य को आशीर्वाद देता है तो शिष्य तुरंत ही प्रगति करने लगता है, भले ही वह विधि विधानों का पालन न करता रहा हो। अथवा जो बिना किसी स्वार्थ के अपने गुरु की सेवा करता है, उसके लिए सारे यम नियम सरल बन जाते हैं। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए पवित्रता अनिवार्य है। पवित्रता दो प्रकार की होती है, आंतरिक तथा ब्रह्म। ब्रह्म पवित्रता का अर्थ है स्नान करना, लेकिन आंतरिक पवित्रता के लिए निरंतर श्री कृष्ण का चिंतन तथा हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना होता है। इस विधि से मन में से पूर्व कर्म की संचित धूलि हट जाती है। दृढ़ता का अर्थ है कि आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए मनुष्य दृढ़ संकल्प हो। ऐसे संकल्प के बिना मनुष्य ठोस प्रगति नहीं कर सकता। आत्म संयम का अर्थ है कि आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर जो भी बाधक हो उसे स्वीकार न करना। मनुष्य को इसका अभ्यस्त बनकर ऐसी किसी भी वस्तु को त्याग देना चाहिए जो आध्यात्मिक उन्नति के पथ के प्रतिकूल हो। यह है उस असली वैराग्य है। इंद्रियां इतनी प्रबल हैं कि वे सदैव इंद्र तृप्ति के लिए उत्सुक रहती हैं। अनावश्यक मांगों की पूर्ति नहीं करनी चाहिए। इंद्रियों की उतनी ही तृप्ति की जानी चाहिए जिससे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के अपने कर्तव्य की पूर्ति होती हो। उससे सबसे महत्वपूर्ण किंतु वश में ना आने वाली इंद्रियां इंद्री जीव है। यदि जीव पर संयम कर लिया गया तो समझो अन्य सारी इंद्रियां वशीभूत हो गई। जीव का कार्य है स्वाद ग्रहण करना तथा उच्चारण करना। अतएव नियमित रूप से जीव को कृष्णामृत भोग से उच्छिष्ट का स्वाद लेने में तथा हरे कृष्ण का कीर्तन करने में प्रयुक्त करना चाहिए। जहाँ तक नेत्रों का संबंध है, उन्हें श्री कृष्ण के सुंदर रूप के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं देखने देना चाहिए, इससे नेत्र वश में होंगे। इसी प्रकार कानों को श्री कृष्ण के विषय में श्रवण करने में लगाना चाहिए और नाक को कृष्णामृत फूलों को सूंघने में लगाना चाहिए। यह भक्ति की विधि है और यहाँ यह समझना होगा कि भगवत गीता केवल भक्ति के विद्वान का प्रतिपादन करती है। भक्ति ही प्रमुख एवं एकमात्र लक्ष्य है। भगवत गीता के बुद्धिहीन भाष्यकार पाठक के ध्यान को अन्य विषयों की ओर मोड़ना चाहते हैं, लेकिन भगवत गीता में भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई भी विषय नहीं है। मिथ्या अहंकार का अर्थ है इस शरीर को आत्मा मानना। जब कोई यह जान जाता है कि वह शरीर नहीं अपितु आत्मा है, तो वह वास्तविक अहंकार को प्राप्त होता है। अहंकार तो रहता ही है, मिथ्या अहंकार की बत सरना की जाती है। वास्तविक अहंकार का की नहीं, वैदिक साहित्य में कहा गया है अहम ब्रह्मसिम, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं हूँ ही आत्मभाव है। और यह आत्म साक्षात्कार की मुक्त अवस्था में भी पाया जाता है। मैं हूँ का भाव ही अहंकार है, लेकिन जब मैं हूँ भाव को मिथ्या शरीर के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो वह मिथ्या अहंकार होता है। जब इस आत्म भाव को वास्तविकता के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो वह वास्तविक अहंकार होता है। ऐसे कुछ दार्शनिक हैं जो यह कहते हैं कि हमें अपना अहंकार त्यागना चाहिए, लेकिन हम अपने अहंकार को त्यागे कैसे, क्योंकि अहंकार का अर्थ है स्वरूप। लेकिन हमें मिथ्या देहात्म बुद्धि का त्याग
करना ही होगा। जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि को स्वीकार करने के कष्ट को समझना चाहिए। वैदिक ग्रंथों में जन्म के अनेक वृतांत हैं। श्रीमद् भागवत में जन्म से पूर्व की स्थिति, माता के गर्भ में बालक के निवास, उसके कष्ट आदि का संजीव वर्णन हुआ है। यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि जन्म बहुत कष्टपूर्ण है, क्योंकि हम यह भूल जाते हैं कि माता के गर्भ में हमें कितना कष्ट मिलता है। अतएव हम जन्म तथा मृत्यु की पुनरावृत्ति का कोई हल नहीं निकाल पाते। किसी प्रकार मृत्यु के समय भी सभी प्रकार के कष्ट मिलते हैं, जिनका उल्लेख प्रमाणिक शास्त्रों में हुआ है। इनकी विवेचना की जाती है। जहाँ तक रोग तथा वृद्धावस्था का प्रश्न है, सबको इनका व्यवहारिक अनुभव है। कोई भी रोगग्रस्त नहीं होना चाहता, कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता, लेकिन इनसे बचा नहीं जा सकता। जब तक हम जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि के दुखों को भोगते हुए इस भौतिक जीवन के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण नहीं बना पाते, तब तक आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं रह जाता। जहाँ तक संतान, पत्नी तथा घर से विरक्ति की बात है, इसका अर्थ यह नहीं कि इनके लिए कोई भावना ही ना हो। ये सब संदेह की प्राकृतिक वस्तुएं हैं, लेकिन जब ये आध्यात्मिक उन्नति में अनुकूल ना हो तो इनके प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। घर को सुखमय बनाने के लिए सर्वोत्तम विधि कृष्ण भावनामृत है। यदि कोई कृष्ण भावनामृत में पूर्ण रहे तो वह अपने घर को अत्यंत सुखमय बना सकता है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत की विधि अत्यंत सरल है। इसमें केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करना होता है। कृष्णामृत कृष्णा अर्पित भोग उच्छिष्ट ग्रहण करना होता है। भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों पर विचार विमर्श करना होता है और अर्चन विग्रह की पूजा करनी होती है। इन चारों बातों से मनुष्य सुखी होगा। मनुष्य को चाहिए कि अपने परिवार के सदस्यों को ऐसी शिक्षा दे। परिवार के सदस्य प्रतिदिन प्रातःकाल या तथा सायंकाल बैठकर साथ साथ हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करें। यदि कोई इन चारों सिद्धांतों का पालन करते हुए अपने पारिवारिक जीवन को कृष्णा भावनामृत विकसित करने में डाल सके, तो पारिवारिक जीवन को त्याग कर विरक्त जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन यदि यह आध्यात्मिक प्रगति के लिए अनुकूल ना रहे तो पारिवारिक जीवन का त्याग कर देना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि श्री कृष्ण के साक्षात्कार करने या उनकी सेवा करने के लिए सर्वसर्व न्योछावर कर दें, जिस प्रकार से अर्जुन ने किया था। अर्जुन अपने परिजनों को मारना नहीं चाह रहा था, किंतु जब वह समझ गया तो समझ गया कि ये परिजन श्री कृष्ण साक्षात्कार में बाधक हो रहे हैं, तो उसने श्री कृष्ण के आदेश को स्वीकार किया। वह उनसे लड़ा और उसने उनको मार डाला। इन सब विषयों में मनुष्यों को पारिवारिक जीवन के सुख दुख से विरक्त रहना चाहिए, क्योंकि इस संसार में कोई कभी भी ना तो पूर्ण सुखी रह सकता है न दुखी। सुख दुख भौतिक जीवन को दूषित करने वाले हैं। मनुष्यों को चाहिए कि इन्हें सहना सीखे। जैसा कि भगवत गीता में उपदेश दिया गया है, कोई कभी भी सुख दुख के आने जाने पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। अंत मनुष्य को चाहिए कि भौतिकतावादी जीवन शैली से अपने को त्याग कर ले और दोनों ही दिशाओं में
संभव बनाए रहे। सामान्यतया जब हमें इच्छित वस्तु मिल जाती है तो हम अत्यंत प्रसन्न होते हैं, और जब अनिश्चित घटना घटती है तो हम दुखी होते हैं। लेकिन यदि हम वास्तविक आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त हों तो ये बातें हमें विचलित नहीं कर पाएंगी। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए हमें अटूट भक्ति का अभ्यास करना होता है। विपत्त हुए बिना कृष्ण भक्ति का अर्थ होता है कि भक्ति की नव विधियों कीर्तन श्रवण पूजन आदि में प्रवृत्त होना, जैसा नवे अध्याय के अंतिम श्लोक में वर्णन हुआ है। इस विधि का अनुसरण करना चाहिए। यह स्वाभाविक है कि आध्यात्मिक जीवन शैली का अभ्यस्त हो जाने पर मनुष्य बौद्धिक आवादी लोगों से मिलना नहीं चाहेगा, इससे हमें हानि पहुंच सकती है। मनुष्य को चाहिए कि वह यह परीक्षा करके देख ले कि वह अवांछित संगति के बिना एकांतवास करने में कहां तक सक्षम है। यह स्वाभाविक ही है कि भक्त में व्यर्थ के खेल कूद या सिनेमा जाने या किसी सामाजिक उत्सव में सम्मिलित होने की कोई रुचि नहीं होती, क्योंकि वह यह जानता है कि वह यह समय को व्यर्थ गवाना है। कुछ शोध शास्त्र तथा दार्शनिक ऐसे हैं जो काम वासना पूर्ण जीवन या अन्य विषय का अध्ययन करते हैं, लेकिन भगवत गीता के अनुसार ऐसा शोध कार्य और दार्शनिक चिंतन निर्थक है। यहाँ एक प्रकार से व्यर्थ यह एक प्रकार से व्यर्थ होता है। भगवत गीता के अनुसार मनुष्य को चाहिए कि अपने दार्शनिक विवेक से वह आत्मा की प्रकृति के विषय में शोध करे। उसे चाहिए कि वह अपने आत्मा को समझने के लिए शोध करे। यहाँ पर इसी की संस्तुति की गई है। जहाँ तक आत्म साक्षात्कार का संबंध है, यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि भक्ति योग ही व्यवहारिक है। ज्यों ही भक्ति की बात उठे तो मनुष्य को चाहिए कि परमात्मा तथा आत्मा के संबंध पर विचार करे। आत्मा तथा परमात्मा कभी एक नहीं हो सकते, विशेषतया भक्ति योग में तो कभी नहीं। परमात्मा के प्रति आत्मा की यह सेवा नित्य है, जैसा कि स्पष्ट किया गया है। अतएव भक्ति साक्षात है। मनुष्य को इसी दार्शनिक धारणा में स्थित होना चाहिए। श्रीमद् भागवत में व्याख्या की गई है, वदन्ति तत्व तव विद सत तव यज्ञात मध्यम। जो परम सत्य के वास्तविक ज्ञाता है वे जानते हैं कि आत्मा का साक्षात्कार तीन रूपों में किया जाता है, ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान। परम सत्य के साक्षात्कार में भगवान प्रकाष्ठा होते हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि भगवान को समझने के पथ पर पहुंचे और भगवान की भक्ति में लग जाए। यही ज्ञान की पूर्णता है। विनम्रता से लेकर भगवत साक्षात्कार तक की विधि भूमि से चलकर ऊपरी मंजिल तक पहुंचने के लिए सीढ़ी के समान है। इस सीढ़ी में कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी पहली सीढ़ी पर है, कुछ दूसरी पर, तो कुछ तीसरी पर। किंतु जब तक मनुष्य ऊपरी मंजिल तक नहीं पहुंच जाता, जो कि श्री कृष्ण का ज्ञान है, तब तक वह ज्ञान की निमंत्र अवस्था में ही रहता है। यदि कोई ईश्वर की बराबरी करते हुए आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करना चाहता है तो उसका प्रयास विफल होगा। यह स्पष्ट कहा गया है कि विनम्रता के बिना ज्ञान संभव नहीं है। अपने को ईश्वर समझना सर्वाधिक गर्व है। यद्यपि जीव सदैव प्रकृति के कठोर नियमों द्वारा ठुकराया जाता है, फिर भी वह अज्ञान के कारण सोचता है कि मैं ईश्वर हूँ। ज्ञान का शुभारंभ अमान
मानितव या विनम्रता से होता है। मनुष्य को विनम्र होना चाहिए। परमेश्वर के प्रति विद्रोह के कारण ही मनुष्य प्रकृति के अधीन हो जाता है। मनुष्य को इस सच्चाई को जानना और इससे विशक्त होना चाहिए। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। हरिओम हरिओम।